नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है DIY क्रिएटिव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बनाना बताऊंगा 10,000 mAh का पावर बैंक। यदि आप इस पावर बैंक को लोकल मार्केट से खरीदते तो 1100 से 1200 रुपये का पड़ेगा, बट इस पावर बैंक को मैंने मात्र 200 रुपये में बनाना बताया इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक अच्छा पावर बैंक बनाने के लिए हमें चाहिए एक अच्छा बैटरी। यहाँ पर मैं लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने स्पेसिफिकली मतलब एक एक सेल्स परचेज किया है। आप चाहे तो लैपटॉप का सेल का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई पुराने लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप में जाकर आप बैटरी का पैक खरीद सकते हैं और उधर से आपको ये सारे सेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं 6 सेल्स का यूज़ कर रहा हूँ। एक सेल हमारा 2200 mAh का है। ये सभी सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे जिससे कि हमारा बैकअप इंक्रीज होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें इस बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब बात कर ले यहाँ पर मॉड्यूल की। यहाँ पर मैं पावर बैंक का मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ जो कि 2 ampere का है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पुश स्विच है और 4 LED इंडिकेटर है जो कि बैटरी का परसेंटेज दिखाएगी। और इस बटन को लॉन्ग प्रेस करने पर एक वाइट LED भी जलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको लाइट भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बैटरी का माइनस कनेक्ट होगा और बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट होगा। सो सभी बैटरियों को आप लोगों को पैरेलल में कनेक्ट करना है जैसा कि मैंने आपको बताया। यानी कि सभी बैटरी का प्लस प्लस से कनेक्ट होगा और सभी बैटरियों का माइनस माइनस से कनेक्ट होगा। अब एग्जांपल के लिए अगर आपको इसका बैकअप इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका एक बैटरी 2000 mAh का है तो उसे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो 2000 से 4000 mAh का होगा। 3 बैटरी कनेक्ट करते तो 4000 से वो 6000 हो जाएगा, प्लस होते जाएगा। जो एक सेल का बैकअप है वह दूसरे सेल के साथ प्लस होते जाएगा। और अगर यही बैटरी आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। सो मेक श्योर कि आप बैटरी को सभी पैरेलल में कनेक्ट करें, ना कि सीरीज में, नहीं तो आपका पावर बैंक मॉड्यूल भी खराब हो जाएगा। ओके, सिंपल वे में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सभी बैटरियों का प्लस आपको प्लस से कनेक्ट करना है एंड माइनस माइनस से कनेक्ट करना है। और सभी बैटरियों को मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है डबल साइडेड टेप लगाकर। अब वन बाय वन सभी पे हम लोग सोल्डरिंग कर लेंगे, लेकिन सोल्डरिंग आयरन आपको ज़्यादा देर भी बैटरियों के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि ये लिथियम आयन सेल्स है, इसके ऊपर इफेक्ट करता है। बैटरी ज़्यादा हीट होगी तो बैकअप कम देगा। स्पॉट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है जो कि मेरे पास नहीं है, जिस कारण कि मैं सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर रहा हूँ इसे सोल्डरिंग करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने 1 mm का वायर ले लिया, लेकिन उससे पहले हम लोग टेप लगा लेंगे बैटरी के ऊपर, वाइट टेप पेपर टेप लगा लेंगे जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने से बचेगा हमारा बैटरी। ये टेप शॉर्ट सर्किट होने से बचेगा क्योंकि बैटरी हमारा पूरा नेगेटिव बॉडी का होता है और ऊपर सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। जब हम लोग सोल्डर आयरन से हीट कर रहे होंगे, सोल्डरिंग कर रहे होंगे, तो वायर हीट होने के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो मैं कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं चाहता है, जिस कारण कि मैंने यहाँ पर टेप लगाया और यह टेप मेल्ट नहीं होगा क्योंकि पेपर का है, तो जिस कारण कि शॉर्ट सर्किट होने से भी बच जाएगा। सीधी सीधी भाषा में आप लोगों को भी टेप लगाना इसी तरह से, एंड माइनस वाले टर्मिनल को भी मैंने सोल्ड कर दिया। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस तरह से कि सभी बैटरी के प्लस को कनेक्ट कर लेना है, सभी बैटरी के माइनस को कनेक्ट करना है, एंड बैकअप इंक्रीज करना तो आप जानते ही हो। इसी तरह से आपको और बैटरी पैरेलल में कनेक्ट करते जाना है। पावर बैंक के बॉक्स के लिए मैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक बोर्ड स्विच का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने वो छेद कर दिया, मतलब मॉड्यूल के हिसाब से होल कर दिया। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोगों का जो पावर बैंक का मॉड्यूल है लगेगा। और यहाँ पर मैंने 2 स्क्रूज ले लिया है इसमें लगाने के लिए। नट एंड बोल्ट का भी मैं बोलूँगा आप लोग यूज़ करें। एंड एज यू कैन सी कि स्क्रू लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छे से मतलब फिट हो गया, कि अगर कोई ऐसे गुस्से में भी USB वायर लगा देता है ना, पावर बैंक का मॉड्यूल हिलने वाला नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा, नोटिस किया कि जो लोग पावर बैंक आपको बनाना सिखाते हैं वो ऐसे फिक्स्ड जगह पे नहीं रहता है पावर बैंक का मॉड्यूल, और लगाने पर वो निकल जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप USB वायर घुसेड़ दो, मॉड्यूल जगह से हिलने वाला नहीं है, टस से मस नहीं होने वाला जो मॉड्यूल है हमारा, क्योंकि हम लोग ने स्क्रू से इसको इतना अच्छे से टाइट कर दिया है दोनों। एंड यहाँ पर मैं डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रहा हूँ बैटरी को चिपकाने के लिए। डबल साइडेड टेप का भी यूज़ करूँगा एंड हॉट गन ग्लू का भी यूज़ करूँगा चिपकाने के लिए। सो या ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए बैटरी का भी पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे पावर बैंक मॉड्यूल के पॉजिटिव से, एंड बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर लेंगे पावर बैंक के बैटरी के नेगेटिव से। ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि आप लोग पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं मॉड्यूल के और नेगेटिव से ही कनेक्ट कर रहे हो।
सो सब कुछ अच्छे तरीके से सेटअप पे, कुछ भी पार्ट हिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थर्माकोल का यूज़ करूँगा जिससे कि ऐसे गैप ना रहे बॉक्स में। और यहाँ पर थर्माकोल का यूज़ करूँगा एंड डब्बे को लगा लूँगा स्क्रू टाइट करके, मतलब एकदम परफेक्ट पावर बैंक बन रहा है। ऐसे नाम का पावर बैंक नहीं, काम का पावर बैंक बन रहा है हमारा। सो ये जो बटन है थोड़ा अंदर की तरफ है जिसे कि दबाने पर बैटरी का जो वोल्टेज है, जो बैटरी कितना चार्ज है पावर बैंक हमारा, वह इंडिकेट करता है। चारों लाइन जल रहा है, एलईडी जल रहा है, यानी कि बैटरी पावर बैंक हमारा फुल चार्ज है। बट यहाँ पर मैं एक पत्ती का यूज़ कर रहा हूँ, निकल स्ट्रिप का यूज़ कर रहा हूँ इस बटन को अच्छे से प्रेस करने के लिए। मीन्स क्या है कि बटन को ना प्रेस करने के लिए नाखून जो उंगली है अपना उसे अंदर डालना पड़ रहा था, तो ऐसा इस सीन में नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर निकल स्ट्रिप का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो बटन है अब आराम से दब पाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो या ये देखो, देख पा रहे होंगे अब बटन दबाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से प्रेस कर पाएगी बटन को हम लोग। बटन को लॉन्ग प्रेस करने पे लाइट जलेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, और एक बार प्रेस करने पे बैटरी कितना चार्ज है वह पता चलेगा। सो यहाँ पर मैंने प्रिंटर पेपर का यूज़ किया इसे एक अच्छा लुक देने के लिए। मेरे पास फ़िलहाल स्प्रे पेंट नहीं था, नहीं तो स्प्रे पेंट करता तो उससे भी ज़्यादा अच्छा ही लुक आता। बट यह प्रिंटर पेपर भी लगाने के बाद ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13,000 mAh का पावर बैंक कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ये कोई बोलेगा कि हैंडमेड है, ये कितना अच्छा। 2 USB आउटपुट और 1 micro USB फॉर इनपुट चार्जिंग के लिए, और एक छोटा सा LED जो कि बहुत अंधेरे में काम आता है। और ये रहा हमारा एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बटन जिसे कि प्रेस करने पर वाइट LED जलेगा, लॉन्ग प्रेस करने पर वाइट LED जलेगा। तो चलिए एक बार प्रेस करके भी देख लेते हैं बटन को, लॉन्ग प्रेस करके देख लेते हैं। उससे पहले एक बार क्लिक करके देखते कि हम लोगों का पावर बैंक कितना चार्ज है। चारों लाइन जल रहा है यानी कि चारों LED इंडिकेट कर रहा है यानी कि हम लोगों का पावर बैंक फुल चार्ज है। अब बटन को लॉन्ग प्रेस करते एंड एज यू कैन सी कि वाइट LED जल रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ओह माय गॉड। सो अब इसे बंद कर लेते हैं लॉन्ग प्रेस करके। सो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए अब मैं आपको पावर बैंक की टेस्टिंग भी करके दिखाता हूँ, दोनों दो मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ कि हाँ मोबाइल चार्ज हो रहा है, एक USB टाइप सी वाला और एक micro USB वाला। लेकिन उससे पहले कंपेरिजन करते, देखो एक राइट हैंड में मीवी का पावर बैंक है और लेफ्ट हैंड में हैंडमेड पावर बैंक जो कि मैंने बनाया, कितना अच्छा लग रहा है। और मीवी का पावर बैंक 1200-1500 का मिलेगा, लेकिन जो लेफ्ट हैंड वाला पावर बैंक जो कि हम लोग ने बनाया आप लोग केवल 200 रुपये में बना सकते हो। सो यहाँ पर अब मैं मोबाइल को चार्ज करके दिखाता हूँ कि हाँ मोबाइल भी चार्ज होता है। वैसे आपको बता दूँ, वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये 2 एम्पियर का आउटपुट देता है। ये मेरा मोबाइल सी टाइप वाला मोबाइल है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मोबाइल चार्ज हो रहा है 95% पर है। अब इसमें साइड में रख देता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा मोबाइल भी चार्जिंग पे लगा देता हूँ, micro USB वाला। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 87% मोबाइल चार्ज हो रहा है, चार्जिंग पे हो 88 हो गया, वाओ 1% इंक्रीज हो गया। एंड इस वाले का भी चेक करते हैं और यहाँ देखो 95% पे था, 96% हो गया, यानी कि हम लोगों का पावर बैंक अच्छे से वर्क कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड या पावर बैंक को तो चार्ज भी तो करना पड़ेगा, तो चार्जिंग पे भी हम लोग पावर बैंक को लगा देते। अब वैसे जाने से पहले लाइक तो कर दो वीडियो को और कमेंट करके जरूर से बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आओ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, बाय।